हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये पर्पज से बना रही हूँ। तो वो क्या पर्पज है मैं आपको बताती हूँ। लोग कहते हैं हम जो यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, तो एक तो ये हमारा शौक होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हमें टोंट कसते हैं, मैसेज करते हैं कि इनको घर में कुछ काम धंधा तो होता नहीं है, वीडियो बनाती रहती हैं और मतलब इंजॉय करती रहती हैं, इनको घर में कुछ काम धंधा नहीं होता। तो फ्रेंड, हम जो यूट्यूबर हैं, मैं सभी के लिए कहूँगी, सभी के पास ये मैसेज आते होंगे अधिकतर। मैं जो देखती हूँ, वीडियोस वगैरह देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ, तो उसमें बहुत सारी लेडीज़ें बोलती हैं कि मैं सभी जो यूट्यूबर्स, जो मेरी सिस्टर हैं, मेरी बहनें हैं, जो YouTube पर हैं, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने भी जो है अपना चैनल बनाया था, तो मुझे अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि खाली समय में लेडीज़ों को बाहर जाना, घूमना, उससे अच्छा तो यही है ना कि अपने घर में थोड़ा सा बिजी रहो, ठीक है। तो इसी पर्पस से जो है आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये सभी यूट्यूबर्स के लिए है। सभी को मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनकी वीडियोज़ देखती हूँ, तो अधिकतर यही कमेंट्स आते हैं उनमें कि इन लेडीज़ों को कुछ काम धंधा तो है नहीं घर में, और क्या करती हैं, वीडियो बनाने बैठ जाती है, पूरे दिन वीडियो में लगी रहती है। तो फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग घर का काम भी करते हैं और जो है वीडियो भी बनाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और जो है ये जो प्लेटफार्म है, इससे क्या होता है, लेडीज़ों को थोड़ी सी अर्निंग की भी वो हो जाती है, जिससे वो अपने हस्बैंड की, अपने परिवार की हेल्प कर सकें। तो फ्रेंड, हम लोग चाहेंगे, मैं सभी की तरफ से आपसे बोलती हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें और जो है हमें प्यार दिया करें, ताकि हम कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो आप लोगों की सपोर्ट तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको आज की अपनी रूटीन, ठीक है। तो जो है कुछ लोगों ने मुझसे बोला भी था कि आप करते क्या, पूरे दिन वीडियो बनाते रहते हो क्या, और कुछ काम नहीं है? कभी मैं लाइव आती हूँ तो कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फ्रेंड, हम लोग घर का काम भी करते हैं, हम हाउसवाइफ होते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं, घर के कामकाज भी करते हैं, सारे काम करते हैं, उसके साथ ही हम लोग जो है वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। तो अब मैं आपको आज का रूटीन दिखाती हूँ अपना, कि मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखो मेरा घर इस समय देखो सारा फैला पड़ा है, ये देखो सारा फैला पड़ा है, और देखो ये वाला रूम है, ये भी सारा ऐसे फैला पड़ा है, क्योंकि जो है बच्चे चले गए हैं, इस समय बज रहे हैं 10:15 और बच्चे चले गए हैं। और ये देखो ये मेरा किचन है, ये देखो बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, अभी मैं इनको फिनिश करूंगी, सारी को सफाई करूंगी, सब समेटूंगी, क्योंकि जो है, और जो है आज मैंने जो है ये देखो मैंने कपड़े धोए थे, तो देखो इतने सारे कपड़े हो गए थे, देखो एक बार के तो मैंने ये सुखा दिए हैं, एक ही दिन कपड़े ना धो तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखो, और इधर जो है मेरी मशीन लग रही है, ये देखो इसमें कपड़े धुल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग घर के सारे काम करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी वीडियो वगैरह शूट करते हैं। तो जो है ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा किस तरह से फैला हुआ है, अब मैं बताती हूँ। मैं उठी थी 5:30 पर मॉर्निंग में, ठीक है, और जो है उसके बाद जो है फिर मैं अपना नहा धो के घर की साफ़ सफाई करके सब कुछ, और जो है मैंने अपना पूजा घर में जो है पूजा पाठ, मेरी पूजा पूरी हो चुकी है, ये भोग भी लगा दिया है भगवान जी को, पूजा पाठ कर ली मैंने, और जो हस्बैंड, बेटी और जो है मेरा बेटा, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, बेटी चली गई कॉलेज, बेटा भी चला गया कॉलेज, वो तो अभी जस्ट ही गया है 10 बजे, तो अभी बजे 10:15। और फ्रेंड, आज जो है मैंने, मुझे चाय भी नसीब नहीं हुई सुबह से, चाय मैंने पी है अभी 10 बजे पी है चाय, अभी 15 मिनट पहले ही पी है अपनी चाय सुबह की, और नाश्ता तो अभी मेरा हुआ ही नहीं है, थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह मैंने खा लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं मशीन में, और आधे कपड़े मैंने पहले धो दिए थे, एक बार मैंने मशीन भी सुबह लगा दी थी मॉर्निंग में 6:30 बजे मैंने मशीन लगा दी थी कपड़ों की, क्योंकि आज ज़्यादा हो रहे थे, कल मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि कल जो है हमारे जो है दादा ससुर जी का श्राद्ध था,
तो इसलिए हमारी ये घर में ये रीत है कि जिस दिन किसी का श्राद्ध होता है तो हमारे यहाँ ना कपड़े धोते हैं ना सिर धोते हैं, तो ऐसी मान्यता है। तो मैं तो वही फॉलो कर रही हूँ अभी तक जो मेरी सासू माँ ने हमें बताया था, तो मैं उन्हीं को ही फॉलो कर रही हूँ अभी तक। तो इसलिए कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो मशीन लगा दी है मैंने, और अब मैं क्या करूँगी, ये साफ़ सफाई करूँगी सारी, उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, और फ्रेंड आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, मुझे ही नहीं मेरे जैसी और भी जो यूट्यूबर हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट किया करें, क्योंकि कोई शौक में वीडियो बनाता है, कोई ज़रूरत के लिए बनाता है, तो आप उनको ध्यान में रखकर उन्हें भी सपोर्ट किया करें और मुझे भी किया करें, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसलिए, तो जो है उम्मीद करूँगी कि आप मेरी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं अपना ये घर का जो काम है सारा फैला पड़ा है मैं इसको करती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और आप फैन आप बोल रहे होंगे कि इसको सुबह सुबह जो है मेकअप करने का टाइम कैसे मिल गया, तो फ्रेंड ऐसा होता है मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को ऐसे ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहते हैं कि मम्मी तुम ऐसे बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगती हो। तो मैंने क्या करा था, तब तो काम में लगी रहती हूँ तो टाइम मिलता ही नहीं है फ्रेंड बिल्कुल भी, और उसके बाद अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने बस क्या ये लाइनर और ये बिंदी और ये लिपस्टिक लगा ली। क्रीम वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कभी भी नहीं करती हूँ, और अब जो मैं वीडियो शूट करूँगी वो भी मैं ऐसे ही करूँगी, ओवरी मेकअप बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा इयर रिंग डाल लूँगी या गले में ये डाल लूँगी, बाकी मैं क्रीम वगैरह कोई यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे ही वीडियो शूट करती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को गलत ना समझें, और जो है हम सुहागन लेडीज़ होती हैं तो हमें थोड़ा सा इतना तो करना ही चाहिए ना अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं फिर, तो उनके सामने हम भूतला से बने रहेंगे तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। फिर बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी थोड़ा सा तो अच्छे से मेंटेन से रहा करो, उन्हें क्या पता कि भाई मम्मी को टाइम भी नहीं मिलता, और करने वाली तो मैं अकेली हूँ, कोई वो नहीं है साथ करने वाला, मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड ये है मेरी वो, तो अब मैं क्या करती हूँ आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक मैं अपना ये काम सारा निपटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और ये देखो फ्रेंड आज ये मुझे मिला है खजाना, ये देखो 100 का नोट है, आज ये मुझे पहली बार मिला है, ये देखो मुझे कांग्रेस करो, मुझे आज 100 का नोट जो है मिला है। और मैंने ये जो कपड़े वॉश किए थे ये रखे कुर्सी पे, ये देखो मैंने दोबारा के धोए हुए कपड़े चेयर पे रख दिए हैं, तो ये पता नहीं मुझे किस में से मिला है, मुझे पता नहीं, मैंने मशीन में सुबह जल्दबाजी में कपड़े डाल दिए थे, तो आज मुझे मिला ये 100 का नोट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मुझे आज से पहले कभी किसी की जेब में से एक रुपया भी नहीं मिला था, तो आज ये 100 का नोट मिला है ना खुशी की बात, तो मैं तो चूम गई। तो ये है मेरी खुशी, ये देखो इसकी हालत भी देखो कैसी हो गई, मशीन में ये धुल गया है बेचारा, इसकी भी वॉशिंग हो गई है, अब इसके इसको सुखाऊंगी मैं, तो ठीक है फ्रेंड अब मैं मिलती हूँ, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखो फ्रेंड मैं यहाँ पे बर्तन साफ कर रही हूँ, किचन को फिनिश कर रही हूँ, और पसीना देखो मुझे कितना आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, और जो है अब मैं अपना काम निपटा रही हूँ, तो जो है उसके बाद मैं आपको मिलूँगी, कपड़े मुझे धुल चुके हैं तो हालत अभी बिगड़ी हुई है, तो आपसे मैं अभी मिलूंगी थोड़ी देर में। तो ये बर्तन साफ करके जो है फिलहाल मैं ये बर्तन साफ कर रही हूँ, और मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए कोई दूसरा और है नहीं, तो इसलिए मैं खुद ही जो है वीडियो अपनी शूट करती हूँ और खुद ही जो है करती हूँ अपने सारे काम। तो फ्रेंड ये देखिए ये मैंने अपना सारा साफ सफाई कर दी है घर की, ये देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सब झाड़ू पोछा करके बिल्कुल जो है फिनिश कर दिया है, ये देखिए किचन भी मैंने बिल्कुल मैंने बर्तन बर्तन करके सब बिल्कुल साफ कर दिया है, ये देखिए सारा मैंने, और ये कपड़े जो हैं सूख रहे हैं यहाँ पे और वो सूख रहे हैं मेरे, तो ये देखिए सारा मैंने घर साफ कर दिया है, और जो मेरा मॉर्निंग का जो है रूटीन
वो हो चुका है और कान्हा जी मेरे यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। ये देखिए मैं अपने कान्हा जी को यहीं बिठाती हूँ। ये लो आप भी दर्शन कर लो मेरे कान्हा जी के। तो मैं इनको इसी कमरे में यहीं बिठाती हूँ, इसी में हमारे एसी लगा हुआ है। तो ये और मैं हम साथ बैठे रहते हैं पूरा दिन, अब ये यहीं बैठे रहेंगे मेरे साथ। तो फ्रेंड ये मैंने आपको दिखाया आज का अपना मॉर्निंग का रूटीन। तो मेरा ये था मॉर्निंग का रूटीन और अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इसका काम ख़त्म हो गया, नहीं अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। बस सुबह का जो काम था जो फैला हुआ था, और ये देखो मुझे पसीने कितने आ रहे हैं, सारा काम करके आई हूँ, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। और लेडीज़ का जो है काम कभी ख़त्म भी नहीं होता है, लेडीज़ का कभी कोई काम ख़त्म नहीं होता है। तो अभी मैं कपड़े सूख जाएंगे जब मेरे, तो उनकी तह लगाऊंगी। ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इनकी तह लगा के, और जो है कबड में रख दूंगी सभी की। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत पड़ा होगा वो करूँगी। फिर बेटी आ जाएगी, बेटी का लंच बनाऊँगी, फिर चाय पानी का समय हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रूटीन। तो फ्रेंड आज मैंने आपके साथ अपना ये रूटीन शेयर किया। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो फ्रेंड मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड अब बज चुके हैं, दिन का 1:15 बज चुका है और जो है मेरा काम अब इतना हो चुका है। मेरी चेयर पर पड़े हुए हैं कपड़े, ये जो सूख चुके हैं ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, इनकी लगाऊँगी तय। तो फ्रेंड ऐसा होता है मेरा रूटीन, तो जो है सभी का ही, सभी लेडीज़ का ही होता है, मेरा कोई स्पेशल नहीं होता। सभी लेडीज़ होती हैं, काम करती हैं घर में, और जो है उनका भी यही रूटीन होता है। और मेरे यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है तो फ़ोटो इतनी क्लियर आ नहीं रही है वीडियो में, ठीक है। तो मेरा ये रूटीन था और अभी मैंने लंच वगैरह कुछ नहीं किया है। तो ये कपड़ों की तह लगा के फिर जो है मैं लंच बनाऊँगी, फिर मेरी बेटी भी आ जाएगी तो हम दोनों फिर लंच करेंगे। तो ये होता है रूटीन मेरा। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, शाम का हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर चाय का समय हो जाता है, चाय वाय पीती हूँ, बेटी को दूध देती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, दूध देती हूँ। उसके बाद में जो है फिर शाम को तो फिर डिनर का टाइम हो ही जाता है बनाने का। तो हमारा तो पूरा दिन काम में निमटता है, इस बीच मुझे ये थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें मैं अपनी वीडियो वगैरह शूट करती हूँ या ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, जो मुझे ब्लॉगिंग वगैरह करनी होती है। तो आजकल तो वैसे भी श्राद्धों के दिन चले हुए हैं, ठीक है। तो कल तो मेरे दादा ससुर जी का श्राद्ध था तो मैंने वो करा था, और आगे मेरे सासू जी का और ससुर जी का आएगा आने वाले समय में। तो उस समय में तो मैं बिजी ही रहती हूँ, तो अब तो बिजी ही रहना है क्योंकि घर की साफ़ सफाइयाँ भी होती हैं, त्यौहार भी आने वाले होते हैं, श्राद्धों के बाद फिर नवरात्रे आएंगे तो काम तो बढ़ ही जाता है। उसके बाद भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं अपनी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो आप लोगों को कैसी लगती हैं वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगती होंगी। कोई बात नहीं, अगर अच्छी भी नहीं लगती तो आप मुझे सजेस्ट करें, मुझे बताएं कि मैं कैसे किस उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर कोशिश करूंगी कि मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।